तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आ चुके फिर से और एक न्यू वीडियो के साथ। तो वैसे अगर आपको भी ये वाला सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो वैसे बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको ये अगर आप ऑन ऑफ कर देते हो ना, तो वैसे आपका ये वाला जो स्क्रीन सेकिंग प्रॉब्लम है कैसे आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिलहाल मैं आ चुका अभी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ताकि मैं आपको सारा प्रोसेस अच्छे से समझा सकूँ। कुछ पहले समझ लो कि स्क्रीन सेकिंग कितने टाइप की होती है। गाइस दो टाइप की स्क्रीन सेकिंग होती है जो फिलहाल अभी हो रही है। एक तो गाइस स्कोप खोलने के बाद एक स्क्रीन सेक हो रहा है, और दूसरा गाइस बिना स्कोप खोले माने ईडीएस में हो रहा है। तो अगर आपका स्कोप खोलने के बाद गाइस अगर ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको गाइस सेटिंग में चले जाना है, कैमरा रोटेशन वाले ईडीएस को डिसेबल कर देना है और कैमरा रोटेशन वाले लेनी को भी डिसेबल कर देना है। ये दोनों सेटिंग को डिसेबल करने के बाद आपका ये वाला प्रॉब्लम जो स्कोप खोलने के बाद अगर स्क्रीन सेक हो रहा है तो इस ये वाला प्रॉब्लम गाइस आपका 100% सॉल्व हो चुका है। तो देख सकते हो स्कोप बिल्कुल भी नहीं सेक करेगा। उसको अनेबल करने से होता ये है कि जैसे अगर आप स्कोप को ऐसे होल्ड करें जरा सा ही फिंगर लेफ्ट टू राइट करोगे तो कैसे आपका स्क्रीन पूरा हिल जाएगा, जिसकी वजह से इसको लगता है आपका स्क्रीन सेक हो रहा है। तो इसको डिसेबल कर देने से कैसे आपका ये वाला स्क्रीन सेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा स्कोप खोलने के बाद जो स्क्रीन सेकिंग होता है। अभी बात कर लेते हैं कि जो नो एडीएस में स्कोप सेकिंग होता है, यानी कि बिना स्कोप खोले आप अगर बंदे को मारते हो तो कैसे अगर आपका स्क्रीन सेकिंग प्रॉब्लम हो रहा है इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का कैसे तरीका अभी तक पूरे यूट्यूब में नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे अभी तक नहीं बना है। तो वैसे अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो वैसे आपको क्या करना है, बस जॉयस्टिक पॉइस्टिक थोड़ा हिलावली के देख सकते हो, मोबाइल का स्टोरेज फोरेज क्लीन करके देख सकते हो। लेकिन गैस इसका जो प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। इसका गैस प्रॉब्लम सोल्यूशन तभी होगा जब गैस आप अपना डिवाइस को चेंज कर लोगे। तो इस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।